वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की नींव बताया है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि अपने पूंजीपतियों दोस्तों को देश की संपत्ति सौंपना चाहती है सरकार। आखिर बजट की बारीकियां क्या है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारा इस खास बहुत कार्यक्रम बहुत में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, अगर मैं कहूं कि अनुराग ठाकुर आम लोगों को समझाएं कि ये बजट उनके लिए कैसे फायदेमंद है, तो अपने शब्दों में आप इसको बताइए। देखिए, देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी किस आपदा से कैसे निपटा जाए, लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरी दुनिया में आज भारत का उदाहरण दिया जाता है कि दुनिया भर में जो सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में, उनमें एक भारत है। हमने जान है तो जहान है इस मूल मंत्र के साथ चले, जान बचाने का काम किया, गरीब को अन्न और धन देने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से दिया, फिर आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमने योजना रखी। उसमें बैंकिंग क्षेत्र से लोगों को लाभ दिए, सरकार ने अपनी ओर से मदद करने का काम किया, और इसका बड़ा असर ये देखने को मिला कि पिछले 4 महीनों में GST की कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। जनवरी महीने में लगभग 1,20,000 करोड़ हुई। अब हमारे सामने चुनौती सबसे बड़ी ये थी आखिर इस बजट में क्या हो, और आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि इस बजट में क्या। बजट में सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर सरकार ने पिछले साल 12 लाख करोड़ का कर्जा लिया तो इस साल क्या कर्जा लेके क्या करना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट कितना जाए। मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब जनता पर, आम आदमी पर कोई कर का नया बोझ नहीं पड़ना चाहिए। कोई कोविड टैक्स, कोई कुछ जो मीडिया कहता था, हमने कुछ नहीं लगाया, कोई 1% टैक्स नहीं हमने बढ़ाया, और वहीं 34.5% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे इस साल, 5.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसका मतलब 1,18,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सड़कों के लिए दिया गया, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ का बजट रखा है जो 137% वृद्धि ज्यादा है, और इसमें जो नई योजना शुरू करने जा रहे हैं कोविड वैक्सीन 35,000 करोड़ रुपया हमने इसके लिए दिया है, और वहीं पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपया उस पर खर्च करेंगे, जल जीवन मिशन 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, वहीं पर गरीब को मनरेगा की दिहाड़ी मिले तो 75,000 करोड़ 73,000 करोड़ रुपया उसके लिए बजट रखा, पीएम किसान में 65,000 करोड़ रुपया किसानों को देने के लिए रखा। तो गरीब के लिए सबके लिए भी काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 51.65% ज्यादा वृद्धि की है, यानी कि 85,000 करोड़ से बढ़कर इस बजट को 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का किया गया। और सामाजिक न्याय के जो मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय, 28% की वृद्धि हमने उस पर की। तो जहां एक और गरीब का ध्यान रखा, समाज के अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा, वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ताकि ज्यादा सड़कें बने, रेलवे लाइन बने, 20,000 बसें खरीदी जाएं, उस दिशा में बढ़े। रिफॉर्म्स हमने साथ में की कि मान लीजिए 20,000 बसें हमें खरीदनी है तो जहां गरीब आदमी को अच्छी बस की सुविधा शहरों में मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, वहीं पर मेट्रो रेल लाइन भी एक कई किलोमीटर बनाने की हमने अपने बजट की बहुत सारी खासियत बताई, लेकिन जैसे ही कल बजट आता है हम विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष सीधे तौर पर कहता है कि ये बजट जो है अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए है, व्यापार जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बिजनेसमैन है उनके लिए है, और सेंसेक्स भी कल काफ़ी ऊपर रहा और तमाम हमने देखा शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगाने लगा कि क्योंकि बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, केवल व्यापारियों के लिए है, इसलिए शेयर मार्केट में इतना बूम देखने को मिल रहा है। कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, और इसलिए मैं कह रहा हूं एक पहली बार किसी बजट के 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे देश भर से सकारात्मक टिप्पणियां आनी शुरू हुई, सबके पॉजिटिव कमेंट्स थे, शेयर मार्केट 2200 पॉइंट ऊपर चले गए, आज भी 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है, ये पहली बार हुआ होगा कितने ही वर्षों बाद कि इतना उछाल मार्केट में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सरकार ने कदम ऐसे उठाए जो जनता की अपेक्षा के अनुसार थे, हम जनता की अपेक्षाओं के पर खरे उतरे हैं। लोग कहते थे निवेश करें, हमने किया,
हम डरे नहीं. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोरो, बिल्ड, मोनेटाइज एंड रीपे. कर्जा लिया, खर्चा कर रहे हैं, इसको मोनेटाइज करेंगे और फिर वापस कर देंगे कर्जा. इससे क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा. मान लीजिए हमने कहा कि 20 साल पुरानी आप अपनी गाड़ी स्क्रैपेज करेंगे, इससे आपको कुछ पैसा मिलेगा, आप नई गाड़ी लेंगे, प्रदूषण कम होगा, नई गाड़ी आप लेंगे, ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ेगी तो रोजगार भी ज़्यादा बढ़ेगा. 15 साल पुराना कमर्शियल व्हीकल आप मुक्त हो जाएंगे उससे, तो उसमें भी सेम इसी तरह से होगा, आपका खर्चा कम होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, प्रति किलोमीटर माइलेज ज़्यादा मिलेगी. तो भारत सरकार भविष्य को देखकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट बनाया है. लेकिन सर बजट में विनिवेश की बातें ज़्यादा की गई हैं. सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया क्योंकि वो घाटे में चल रही थी. ऐसे में तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, उनमें विनिवेश लाना कितनी बड़ी चुनौती होगा, और जो आपकी ऑलरेडी फायदे में कंपनियां हैं, अगर उनमें कोई प्राइवेट आता है आपके साथ पार्टनर बन के या उसको खरीदता है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार पर दोहरा बोझ पड़ सकता है? नहीं, देखिए आपके ही प्रश्न में विपक्ष के लिए उत्तर था. एयर इंडिया घाटे में चल रही है, जो जनता टैक्स देती है उसका पैसा हमें हजारों करोड़ रुपया एयर इंडिया में डालना पड़ता है ताकि वहाँ पे उनको सैलरी दी जा सके. तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनका टैक्स का पैसा केवल कुछ कंपनियों को चलाने के लिए खर्च कर दिया जाए, या आम जनता को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और मूलभूत सुविधाएँ देने के लिए किया जाए? अगर हम 1 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं, जैसा पहले 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना में दिया, हम गांव-गांव तक बिजली पहले पहुंचाई, अब उसमें और सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं, तो वो करना चाहिए. हमें घर घर पानी देना चाहिए कि एयर इंडिया की सैलरी पे करनी चाहिए? धंधा तो कोई और भी कर सकता है, व्यापार करना किसी और का काम है, सरकार का काम फैसिलिटेट करना है. आज हमें ज़्यादा प्लेयर चाहिए, एविएशन सेक्टर में बड़ा देश है, कोई हमसे अच्छा चला सकता है वो चलाए, सरकार बेच देगी इस साल. इसीलिए खरीदार नहीं आया क्योंकि घाटे में थी. BPCL को हम बेचने जा रहे हैं, कॉनकोर को हम बेचने जा रहे हैं, ऐसी 34 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं, और भी स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं, किसको बेचना किसको नहीं बेचना, और इससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा क्या बिकने वाला है, कौन खरीदने वाला है. लेकिन कुल मिलाकर जो खरीदेगा वो उसमें और निवेश करेगा और रोजगार देगा, और इससे देश को टैक्स में भी कमाई होगी, सरकार को अपना पैसा नहीं डालना पड़ेगा, और ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा. ये विन विन सिचुएशन है भारत के लिए और भारतीयों के लिए. विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे इन्होंने भी प्रयास किया, ये केवल 22,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से ला पाए, हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा तब भी ले आए थे. ये अंतर है, हमने इनसे बेहतर करने का काम किया. कांग्रेस के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, कि दुनिया की 5 लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसी अर्थव्यवस्था को 5 साल 7.5% से ज़्यादा विकास दर दी, और आज हम दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने. एक सवाल और है, विपक्ष ने भी आरोप लगाया है और मेरा खुद का भी यह सवाल है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर, लगभग सभी बॉर्डर्स पर धरने दे रहे हैं. दूसरी तरफ आपने कृषि क्षेत्र के बजट को कम कर दिया है, ऐसे में आपको लगता है कि किसान आपकी तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई थी उसके बाद किसानों का एक समय सरकार पर काफ़ी भरोसा था, लेकिन अभी वो भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है? एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के समय का बजट देख लें और हमारे समय का बजट देख लें, कृषि के क्षेत्र में कई गुना ज़्यादा. अगर वो 14,000 करोड़ खर्च करते होंगे, हम 1.25 लाख करोड़ से ऊपर खर्च करते होंगे. हमने बजट कम नहीं किया, जितना कांग्रेस ने 55 साल राज करके एक बार कर्जा माफ किया तो 50,000 करोड़ दिया, हमने 1,10,000 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से ही दे दिया है. इस साल 65,000 करोड़ का और प्रावधान किया पीएम किसान सम्मान निधि में. हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, किसानों को 70,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मोदी सरकार के समय मिला. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू हमने किया, लागत प्लस 50% मुनाफा किसान को दिया, तो हमारी सरकार ने देने का काम किया. यही नहीं, MSP खरीद पर जितना कांग्रेस ने पैसा खर्च किया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के लिए, वो भी जो कांग्रेस ने खर्च किया उससे 2.5 गुना ज़्यादा हमने खर्च किया. 8 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने किसानों से खरीद के लिए पैसा खर्च किया, और
गेहूं धान के हमने 43% ज़्यादा दाम किए, दलहन तिलहन के हमने 65-70% ज़्यादा दाम किए, गेहूं हमने 73% ज़्यादा खरीदा तो धान हमने 114% ज़्यादा खरीदा। हमने क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदी और प्राइस भी उनको बेहतर दिया है। हमने इसके अलावा किसानों को सिंचाई योजना के माध्यम से खेतों में पानी पहुँचाया, बीज भी दिए, खाद भी दिया, और APMC जो कहते हैं कि मंडी बंद कर देंगे, हम मंडी बंद नहीं कर रहे। मंडी चलाना और बंद करना राज्य की सरकारों का काम है। हम मंडियों का सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं। कैसे? हम मंडी के लिए 1000 मंडियों को हमने पिछले साल जोड़ा ई नैम से, 1000 मंडियों को हम इस साल ई नैम से जोड़ने जा रहे हैं। यानी कि किसान जम्मू का भी होगा, कश्मीर का भी होगा, तो कन्याकुमारी में भी और जामनगर में। यही सवाल मेरा है, जम्मू कश्मीर के लिए आपके पिटारे में क्या है, क्योंकि वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से सामने चीज़ें नहीं रखी, और चूंकि आप चुनाव में प्रभारी भी थे तो लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जम्मू कश्मीर के। देखिए, जहां एक और ले के लिए हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की घोषणा की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए लगभग 1,34,000 करोड़ रुपये का बजट हमने इसमें प्रावधान किया है, और अब सीधा केंद्र सरकार की ओर से जा रहा है, तो जितना पैसा जाएगा वो जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर खर्च भी होगा, ये सुनिश्चित हम करेंगे। जहाँ पहले सिस्टम खा लेता था, अब सिस्टम में से खाने का काम नहीं किया जाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही ज़्यादा तय की। आखिरी सवाल आपसे, आप यूथ लीडर के तौर पर गिने जाते हैं, भाजपा युवा मोर्चा को भी आपने काफ़ी लंबे समय तक नेतृत्व किया है, सीधे तौर पर अगर बजट में मैं पूछूं युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 2 करोड़ नौकरियों की बात करते रहे हैं, ऐसे में कितनी नौकरियां ये बजट जनरेट कर पाएगा, और इस बजट में युवाओं को और क्या क्या खास फैसिलिटी आपके द्वारा दी जाएगी? देखिए, तो बजट ही युवाओं के लिए है। स्टार्टअप्स के लिए हमने अलग से घोषणा की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा बाकी सब। इसके अलावा जो हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपया डालने की बात की, शोध होगा तो नई पेटेंट्स फायर होंगे। इसके अलावा जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ बढ़ाने की बात की, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 2.5 गुना ज़्यादा होगा। तो इसमें जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में हमने 1,97,000 करोड़ रुपया रखा, उसका क्या लाभ मिलेगा कि जो 10 सेक्टर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में हमने चुने हैं, उन सेक्टर्स में जो इंडस्ट्री आएगी उससे रोजगार उत्पन्न होगा। फिर हमने टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की, 7 ये प्लग एंड प्ले मॉडल में होंगे, बड़े बड़े पार्क होंगे जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक्सपोर्ट होगा। इसी तरह से बल्क ड्रग फार्मा पार्क हम बनाएंगे, ये 3 बनेंगे, इसमें 50,000 करोड़ के लगभग का निवेश आएगा। फिर हम मोबाइल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ला रहे हैं, ये 4 बनेंगे, जहां पर आपके इक्विपमेंट जो है मोबाइल मेडिकल डिवाइसेज जो है वो वहां पर बनेंगे। मोबाइल में हम 2 कंपनियां होती थी हिंदुस्तान में, आज भारत में एप्पल के ही 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गए, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश भारत बना है। तो ये सारी योजनाएं जो है, इससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा, और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले को केवल 15% कॉरपोरेट टैक्स रेट देना है, जो दुनिया में सबसे कम है, और ये हमने बदलाव इसमें किया है। आखिरी सवाल, हालांकि मैं भूल चुका था एक सवाल आपसे, कि मैं अनुराग ठाकुर से अगर पूछूं कि जिस तरीके से ये बजट आया है, इस बजट को आप स्वयं कितना नंबर देंगे? हालांकि आप खुद वित्त राज्य मंत्री हैं, बट अगर आप अपने हिसाब से इसको देखते हैं तो आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारा काम काम करने का है। जनता ने हमें सत्ता में लाया ताकि हम काम करें, हमने वो करने का काम किया। फेसलेस असेसमेंट हो, फेसलेस अपील हो, इनकम टैक्स में हमने वो की ताकि किसी को कोई तंग ना करे। 6 साल पुराने मुकदमे खुलते थे, हमने केवल 3 साल तक कर दिया, और 50 लाख से ऊपर तो केवल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अगर अनुमति देगा तब आपका इनकम टैक्स का केस खुल पाएगा। ये हमने कदम उठाए। तो मुझे लगता है रेटिंग तो जनता को करनी है, शेयर मार्केट को करनी है, मीडिया को करनी है। शेयर मार्केट पिछले कल 2200 पॉइंट ऊपर थी, आज 1100 पॉइंट ऊपर उची है, मीडिया में लगातार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, और जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो बाकी आप कुल मिलाकर हिसाब लगा लीजिए कितने अंक हैं। जाहिर सी बात है कि बजट के अंकों का गणित तो खैर ये पूरा वित्त वर्ष देखने के बाद ही तय कर पाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि सरकार पूरी तरीके से इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की नींव बता रही है। इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए।